गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन होल्डर के साथ तीन स्विचेस के कनेक्शन करना। तो मैंने यहाँ पर तीन होल्डर ले लिए हैं और तीन स्विचेस को मैंने बोर्ड में पहले से फिट कर लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज़ वायरिंग। तो फेज़ वायरिंग के लिए मैंने ये वायर लिया है और इस वायर से हम स्विचेस के नीचे वाले दो टर्मिनल को कॉमन बना लेंगे। इसी तरीके से इस वायर से हम इन दो टर्मिनल को भी कॉमन बना लेंगे। अब हम करेंगे होल्डर की फेज वायरिंग। तो उसके लिए मैंने तीन वायर लिए हैं क्योंकि तीन हमारे पास होल्डर हैं। इन फेज वायर को हम होल्डर के एक एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। होल्डर्स की हमारी फेज वायरिंग हो गई है। अब हम इन फेज वायर को स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसे हम यहाँ पर और इस वायर को हम यहाँ पर और इस होल्डर के फेज वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम होल्डर की फेज वायरिंग कर लेंगे। आप चाहे तो कितने भी होल्डर और ऐड कर सकते हैं, कितने भी स्विचेस आप और ऐड कर सकते हैं, वायरिंग एकदम सेम रहेगी। होल्डर्स के फेज कनेक्शन हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे न्यूट्रल कनेक्शन। तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए मैंने लिया है ये वायर और इस वायर को हम होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसी न्यूट्रल वायर को हम होल्डर के इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। लेना है हमें एक और न्यूट्रल वायर और इस वायर को भी हम इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं, अब हम करते हैं मेन सप्लाई वाले कनेक्शन। तो उसके लिए मैंने ये फेज और न्यूट्रल ले लिया है। तो इसमें से न्यूट्रल वायर को हम होल्डर के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल वायरिंग करते हुए एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम किसी भी अप्लायंस में न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अब हम कर लेते हैं मेन सप्लाई की फेज वायरिंग। तो इस फेज वायर को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये बोर्ड वायरिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम होल्डर्स में लगा लेते हैं टेस्टिंग के लिए लैंप। अब हम करेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हम ये वायर मेन सप्लाई में लगा देते हैं। तो चलिए अब हम एक एक स्विच को प्रेस करके देख लेते हैं। तो ये है पहले होल्डर का स्विच, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप देख सकते हैं कि बल्ब एकदम सही से काम कर रहे हैं। तो वायरिंग हमारी हो गई है एकदम अच्छे से। तो कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।